बाबा तेरा मिशन अधूरा और फलाने साहब करेंगे पूरा। ये जो लगातार नारे लगे रहते हैं, अचानक से फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरू में जब महीना आता है तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह आ जाता है और प्रेस खानों में पर्चियां छपने की बाढ़ आ जाती है। हमारी पर्ची छापो, हम जयंती मनाएंगे, और सब अपनी अपनी पर्चियां लेकर एक पेटेंट सा, एक फिक्स सा, जैसे पुराने समय में आसामी हुआ करती थी किसी साहूकार की, वैसे आसामियों के पास जाते हैं, वहाँ लल्लू चप्पो करते हैं, कुछ पैसा लेके आते हैं और फिर धूमधाम से पूरा अप्रैल में जयंतियाँ मनाते हैं। अब तो घोषित भी कर दिया है कि अप्रैल माह अंबेडकर माह है। दरअसल ये अंबेडकर माह तो है, मगर ये अंबेडकर हत्या का महीना है। आप कहेंगे अंबेडकर की हत्या कहाँ हुई, अप्रैल का महीना तो उनकी जयंती का है, जन्म का है, हत्या की बात इसमें कहाँ से आ गई। आप अगर ध्यान दोगे, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, और किसी भी फील्ड में ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि अंबेडकर के जो लोग हैं वो अंबेडकर की हत्या का महीना कितने धूमधाम से मनाते हैं। दरअसल जब आप किसी व्यक्ति का कोई जयंती या कोई जो परिनिर्वाण दिवस है या कोई उसका खास काम करने का दिन है उसको मनाते हैं, तो आप इसलिए मनाते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसे विचार दिए हैं, कुछ ऐसी बात कही है जिससे कि वो व्यक्ति सारे व्यक्तियों में महा हो गया, यानी बड़ा हो गया, और वो प्रेरणा का स्रोत हो गया, एक सोर्स ऑफ जो एनकरेजमेंट का होता है, वो एनकरेज करेगा, वो बताएगा सबको, तो इसलिए उसकी याद में मनाया जाता है। मगर अगर कहीं किसी महापुरुष का कोई काम है और वो सारा काम उसके अनुयायी या उसके भक्त अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ देखें या खुद खत्म करने में उसके सहभागी बने या उसके साक्षी बने, उसके साक्षी बने, उसके विटनेस बने, उसके गवाह बने, कि उनकी आंखों के सामने जिस व्यक्ति का जयंती, जिसका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, साल दर साल उस व्यक्ति के सारे काम तो खत्म हो ही गए, इसके अलावा जो उस व्यक्ति ने कहा था कि जो अधूरे काम पूरे करने हैं वो पूरे करने की बात तो अब छोड़ ही दीजिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी खेत में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। इसलिए मैं जब कहता हूं कि ये अंबेडकर हत्या का महीना है तो मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं। अंबेडकर भवन से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली का अंबेडकर भवन, और भी जहां बाबा साहब ने नीम के पत्थर रखे, बाबा साहब ने अपने जमा पूंजी जोड़कर और किसी से कोई पैसा लिया नहीं, जो समाज के लोग थे उनसे ही सारा पैसा उठाया, अपनी जेब से पैसा लगाया, और रानी झांसी रोड नई दिल्ली जो पार्लियामेंट संसद भवन के बराबर में है, कनॉट प्लेस के बराबर में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर जगह है। वो जगह इसलिए ली थी कि वहाँ सभी पूरे देश के जितने भी लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनको वो डिप्रेस्ड क्लास बोला करते थे, जिनसे शिक्षा भी छीन ली गई, सिक्का भी छीन ली गई, जिनसे पैसा भी छीन लिया गया, ज़मीनें भी छीन ली गई, जिनसे अधिकार भी छीन लिए गए, वहाँ वो लोग इकट्ठे होंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ काम करेंगे, वहाँ हर तरह के लोग आएंगे, वहाँ एक बड़े बड़े ऑफिस बनेंगे, वहाँ एक बड़ा मीटिंग हॉल बनेगा, वहाँ से देश की और विदेश की नीतियाँ बनेंगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, सारे लोगों का वहाँ आवागमन होगा, क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो यहाँ हवाई अड्डा भी है, रेल भी है, जो आदमी दुनिया में कहीं भी आता है वो दिल्ली जरूर आता है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत दूर की सोच के साथ में अंबेडकर भवन का जो फाउंडेशन रखा, पत्थर रखा, और अपने पैसों से वो जमीन ली। मगर क्या हुआ, अंबेडकर भवन पे कहीं कोई सोच का दूर दूर तक निशान नहीं है। आप वहां जाके देखोगे तो आपको शर्म आएगी ये कहते हुए कि ये अंबेडकर भवन का हो क्या रहा है। उसको कर्ता धरता, जो उसके कर्ते धरने वाले लोग हैं,
भविष्य में ये तो तय है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को कुचला है, उनकी चीज़ों को तोड़ा है, मरोड़ा है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उनके बच्चों से भी कोई रिश्ता करने नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की है, उनके विचारों की हत्या की है, उनके सपनों की हत्या की है, उसकी उन जमीन की, उस केंद्र की हत्या की है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन सकता था, जो नहीं बना। वहाँ सिवाय शराब के और थूकने के पान के अलावा कोई काम वहाँ होता नहीं। जो पैसा आता है उसका कोई हिसाब नहीं है। सुनने में आया है कि वही लोग आपस में बांट के अपनी पूंजियाँ, अपनी संपत्ति, अपने जमीन जायदाद बना लेते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं क्योंकि किसी को इसकी चिंता है भी नहीं। जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है राजनीति का क्षेत्र। RPI बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई तो बाबा साहब के जाने के बाद RPI के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और RPI को बढ़ाने की बजाय RPI छोटे करते करते खत्म हो गई और बाद के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने और नई नई राजनीतिक पार्टियां बना ली। अब राजनीतिक पार्टियों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे लोगों से मैंने संपर्क किया कि भाई आप सबको अगर फायदा समाज के लिए करना है तो एक राजनीतिक पार्टी में आना चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। तो कई विद्वानों ने कहा जी कि जब 3% लोग 4 नेशनल पार्टियां बना सकते हैं, 5 नेशनल पार्टियां बना सकते हैं, तो क्या हम जो 16-17% लोग हैं या 22% लोग हैं हम नहीं पार्टियां बना सकते हैं? अरे भाई बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो जब आप संविधान की दुहाई देते हो। मगर वो 3% लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हैं। आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप संगठित होकर अभी कामयाब हो सके। आपको संगठित होना नहीं आता है तो पहले संगठित होना सीख लीजिए, फिर संगठित करना सीख लीजिए। उनसे ही सीख लीजिए 3% लोग कैसे बाकी लोग जो उनके समुदाय के भी नहीं हैं, जो उनके कहीं किसी समुदाय के भी नहीं हैं, तो वो लोग कैसे और लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। आप खुद ही संगठित नहीं है, औरों को संगठित करने का तो सोच भी नहीं सकते। तो राजनीतिक हत्या कर दी जो राजनीतिक लोग आए और लगातार नई नई पार्टियां बनाकर रोज उनकी हत्या होती हैं और सभी उनकी जयंतियां धूमधाम से मनाएंगे भी। पर्चियां सबकी छप चुकी हैं, पैसे सबके आ जाते हैं, सब अपने अपने फोटो डालेंगे, सब अपना अपना कंधा ऊंचा करेंगे, सब अपने अपने कॉलर ऊंचे करेंगे, सब अपनी अपनी टोपियां ऊपर करेंगे और कहेंगे कि हमसे बड़ा बाबा साहब को जानने वाला और अनुयायी कोई है नहीं। जब आप देखेंगे समाज में आएंगे तो सामाजिक हत्या का तो जो ब्यौरा है, जो सामाजिक हत्या की जो स्टैटिक्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। 10,000 से भी ज़्यादा संगठन अलग अलग टाइप के बने हुए हैं और सब बाबा साहब के नाम से बने हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को 10,000 टुकड़ों में काट के फेंक दिया। हत्या तो हत्या होती है उनकी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था कि तुम 10,000 संगठन मेरे नाम से बनाना? कभी 10,000 संगठन बना के क्रांति हो सकती है? कभी 10,000 संगठन बना के आप अपनी आवाज को ऊंचा कर सकते हैं? जब आप स्वयं ही कहते हैं कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, तो आपको कौन आके कहता है? आपने बाबा साहब की वो बात नहीं सुनी कि संगठित होना है या संगठित करना है या संगठित रहो? आपको समझ में नहीं आता कि बाबा साहब क्या कहते हैं? अरे भाई आप लोगों को कहते हो कि संगठित हो जाओ, आप संगठित होने का नहीं सीखोगे, यानी आप बाबा साहब से परे हो। बाबा साहब की बात कहोगे और खुद संगठित नहीं होगे। ये चीज आपको समझ में नहीं आती। इसको सामाजिक हत्या बोलते हैं जो 365 दिन लगातार होती है बाबा साहब की। जब बाबा साहब की हम बात करते हैं तो धम्मिक हत्या भी लगातार हो रही है। मतलब धम्म के लोगों को भी शर्म नहीं आती। जब बाबा साहब ने एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, तो उसके नाम का विश्लेषण करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनी सारी भारतीय बौद्ध महासभा बना दी। हर आदमी राजनीतिक रूप से प्रेसिडेंट बना घूम रहा है उसका। धम्म का तो कहीं कोई जिक्र है नहीं कि धम्म किसने बनाया था, बाबा साहब धम्म में क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने धम्मिक संस्था बनाई थी, क्यों उन्होंने अपने सबसे जीवन के आखिरी क्षण में धम्म दिया था, क्या धम्म होता है, कैसा धम्म होता है, धम्म में क्या चीज है, बुद्ध के समय क्या था क्या नहीं है, कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं। बस प्रधान बनना है, सचिव बनना है, संगठन सचिव बनना है, पूरा जीवन उसमें लगाना है और कहना है कि विशाल बरगद का वृक्ष है और कहाँ रखा हुआ है, गमले के अंदर रखा हुआ है। दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा विशाल बरगद का वृक्ष गमले के अंदर रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए कि किसी के पास
बुद्धिस्ट लोगों का भारत में डाटा भी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 70 साल में जो उस समय बनाए थे आज कितने लोग हैं। बुद्ध विहारों की बात करेंगे, अम्बेडकर भवन, कबीर भवन और जितने भी इस तरह के भवन हैं अगर उनकी बात करेंगे सब में आपको बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मिलेगा, मगर इकट्ठा कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कोई किसी के पास सूची भी हो कि सारे संगठन, सारे के सारे जो केंद्र हैं, स्थल हैं, उनका सूची क्या है, उनका केंद्र क्या है, किसको क्या उससे फायदा होता है। सब अपने अपने मठाधीश बने हुए बैठे हैं और सबका दावा है कि बाबा साहब उन्हीं के हैं और वही बाबा साहब के अनुयायी हैं और वही बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। दरअसल वही बाबा साहब की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो बाबा साहब के संगठित रहने वाले फार्मूले पर तो काम करते नहीं। जब सरकारी नौकरों की बात आती है तो बाबा साहब ने से पहले तो सरकारी नौकरी हुआ नहीं करती थी। 1932 के बाद जब उन्होंने ये अधिकार दिलाया तो सरकार में नौकरी मिलनी शुरू हुई। तो सरकारी नौकरों ने बाबा साहब के इस ऋण को वापस करने के लिए संगठन बनाए, मगर कैसे संगठन बनाए, सबने अलग अलग संगठन बनाए और संगठनों के भी संगठन बने, जब कभी मुसीबत आई तो उसके भी कई टुकड़े हो गए। और उसमें भी खास बात यह रही कि वो आज तक आपस में लड़ते हैं और जितने उनको अधिकार मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा उनके छिन गए और अब तो लगभग सभी खत्म हो गए और नौकरियां ही खत्म हो गई, तो अब एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो तो कलंक से ही मुक्त हो गए। अब वो तो ये थोड़े दिन बाद कह देंगे कि देखो जी हम तो नौकरी है ही नहीं हमारे पास, इसलिए सरकारी नौकर वाला तो मामला ही चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा थोड़े समय बाद में। यानी सरकारी नौकरों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करने में कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं है। एक आवाज नहीं आई कि पूरे भारत के सरकारी नौकर एक साथ हैं। इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी पर्चियां हैं कि आदमी आश्चर्य करता है। कोई बाहर का आदमी आकर रिसर्च करे तो पागल हो जाए, उसको कम से कम 2000 साल चाहिए इस पर रिसर्च करने के लिए कि कितने टुकड़े टुकड़े बाबा साहब के उन्होंने कर दिए। ये है सरकारी और पढ़े लिखे लोगों का संगठन में जो बाबा साहब की जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं और जाते हैं और कभी संगठित होते नहीं हैं। मैंने पूरे भारत में बहुत जगह काम किया है, धर्म में भी किया है, सामाजिक भी किया है, राजनीतिक तो मैंने किया नहीं, वोट डालने के अलावा मैं कोई काम करता नहीं राजनीति में। मगर मैंने दो बड़े अफसर जिनको क्लास वन बोलते हैं या IAS या IPS या IFS या IRS या गाइडेड अफसर बोलते हैं या PCS, ऐसे कहीं दो अफसर मैंने एक साथ नहीं देखे जो एक विचारधारा के एक जगह काम करते हों। काम तो कर रहे हैं मगर सब अलग अलग कर रहे हैं। ये सोच के भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी ये लोग यूनाइट नहीं हो सकते, एक साथ काम नहीं कर सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ इनकी सोच नहीं हो सकती। तो बाबा साहब का वो सपना जो बाबा साहब कहते थे कि 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 फलाना, 10 ढलाना हो जाए, वो कैसे आएगा? इनकी समझ तो डेवलप हुई नहीं। मतलब IAS होना या IPS होना या क्लास वन अफसर होना अलग बात है, मगर संगठित होने का तरीका सीखना ये अलग बात है। इसका मतलब है कि उनको संगठित होने का, सेंट्रलाइज सिस्टम का, केंद्रीकृत सिस्टम का, एक साथ पूरे देश में एक यूनिटी बनाने का, अरे क्लास वन अफसरों की एक यूनिटी बना लेते, वो भी कहीं है नहीं। आप अपना काम कराने अगर जाओगे तो बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते आप दबे कुचले लोग हैं, आपका कोई दिक्कत आती है तो आपको अपना अफसर वहां चाहिए जो आपकी बात को समझेगा, वो समझ लेगा अच्छी तरह से क्योंकि उसी वर्ग से, उसी क्लास से आता है, दबे कुचले से। मगर आपके पास में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि जहां सारे अफसर इकट्ठे होकर कहते हो कि ये प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आके इस प्लेटफॉर्म पे एक मेल कर दे, एक लेटर डाल दे, फोन कर दे, वो काम हो जाएगा। कुछ लोग काम कर रहे हैं मगर सब अलग अलग हैं, काम ना करने के बराबर हैं। यानी उनको भी इतना जानकारी, इतना ज्ञान नहीं, इतनी समझ नहीं है कि कोई सेटेलाइट सिस्टम होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अब लगभग हम खत्म हो चुके हैं, अब लगभग हमारे पास कुछ नहीं है और ये आखिरी समय है। अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो आगे ये अफसर भी नहीं रहेंगे, इनकी भी लेटरल एंट्री स्टार्ट हो गई है, इनके बच्चे भी अफसर नहीं बन पाएंगे। जैसे इन्होंने कर्म किए हैं वैसे रिजल्ट आएंगे, अच्छे कर्म किए अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई होगा अफसर कहता रहेगा कि मैं तो बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसका इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल काम करता होगा, सामाजिक नहीं आता, बाबा साहब के सपने में नहीं आता, अपना नाम और अपनी ईगो या अपना कुछ अंदर सेटिस्फाई करने के लिए, शांत करने के लिए कुछ करता होगा, मगर दिशाहीन है, परिणामहीन है, कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसा है कि जिसको ये कह सकते हैं कि बस किया किया, नहीं किया बराबर सही है। ये जो बहुत बड़े अफसर हैं उनकी कहानी है।
अगर वकीलों की बात आप करेंगे तो पूरे भारत में वकीलों का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अकेले दिल्ली के अंदर 20 अलग अलग संगठन हैं जो एससी एसटी के नाम से बने हुए हैं, कुछ ओबीसी के नाम से भी हैं। मतलब इनकी एक लगातार मीटिंग भी नहीं होती, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वकील तो सड़क पे क्या, कोर्ट पे क्या, घर में क्या, कहीं भी बोल सकता है। कानून का ज्ञाता होता है, कानून का पंडित होता है। दरअसल आज के समय में पंडित वही हैं, इसलिए बाबा साहब सीना ठोक के कहते थे क्योंकि वो खुद सबसे बड़े पंडित थे, महापंडित थे। उन्होंने तो संविधान रचा है, तो संविधान की रचयिता हैं, संविधान के बनाने वाले हैं, तो महापंडित हैं। तो महापंडित होते हुए उनको इस बात का गुरूर और घमंड रह जाता था कि अगर 10 वकील उनके जैसे खड़े हो जाएंगे तो समाज में किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। और यहाँ तो 20 ग्रुप यहीं बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, नो डाउट, सब जय भीम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार कर रहे हैं, 10-20 लोगों को इकट्ठा करके करते भी हैं, मगर इतनी समझ नहीं है उनको कि अगर इकट्ठे हो जाएं, बाबा साहब की बात मान लें या कॉमन सेंस में भी आ जाएं कि इकट्ठे हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चिल्लाते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जज नहीं है, हाई कोर्ट में हमारा जज नहीं है, फलानी जगह हमारा जज नहीं है। अरे भाई, जज तो तब बनेगा जब आप सारे इकट्ठे होकर डिमांड करोगे कि हमारे जज नहीं है, उसको उठाओगे, तभी तो जज बनेगा। जब आप अलग अलग रहोगे तो कौन सा जज बनेगा आपका? जज बनने का सिस्टम सब जानते हैं, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। आप सरकार में एक बार कहिए तो सही सारे मिलके कि भी इतने जज होने चाहिए, सरकार बनाएगी आपके जज। मगर जब आप इकट्ठे नहीं है तो सरकार को भी क्या पड़ी है। ये उन वकीलों का है जो वकील अपने आप को कहते हैं कि हमसे ज्यादा कानून कोई जानता है नहीं। और मास्टरों का तो कहना ही क्या, मास्टर मतलब जो यूनिवर्सिटीज में पीएचडी और डॉक्टरेट किए हुए हैं। एक डॉक्टर और पीएचडी का आगे नाम के आगे लग जाता है तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया में इससे बड़ा विद्वान कोई है नहीं। बहुत दिनों बाद लगा है पीएचडी का डॉक्टर या प्रोफेसर या एमफिल जो भी लगा है नाम के आगे पीछे। बाबा साहब के नाम के आगे पीछे देखते तो कोशिश करते हैं हमारे नाम के आगे पीछे भी लगे, अच्छी बात है। मगर बाबा साहब जैसी सोच लेके आए क्या? एक पीएचडी और एक अंबेडकर जो तुलना करता है अपनी, तो कहाँ तुलना करता है। बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक आदमी थे, सारे काम करते थे, कितने सरल सरल शब्दों में कहीं भी मीटिंग में बताया करते थे। यहाँ जितने भी डॉक्टर या पीएचडी हैं उनकी अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई हैं, अलग अलग उनके संगठन बने हुए हैं। मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि जो व्यक्ति सबको पढ़ाता है वो खुद नहीं पढ़ता बाबा साहब को। काय का पीएचडी करके आए हो? कोई चार किताब रट ली होंगी, वो कॉपी पेस्ट कर दी होंगी, फिर अपने गाइड का हाथ पैर जोड़ लिया होगा, कहीं सिफारिश लगाई होगी, पैरों में पड़े होंगे, उसने आपका कोई वायवा लिया होगा, कोई थीसिस पास कर दी होगी, हो गए डॉक्टर। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जब आपको इतना समझ नहीं है कि इकट्ठा कैसे हुआ जाता है, संगठित कैसे हुआ जाता है। बाबा साहब का इतना बड़ा बड़ा आलेख और भाषण छाप देते हैं ये लोग, इनको माइक पकड़ा दो तो ये पूरी क्लास का जितना लेक्चर है 10 दिन का रटा हुआ सारा बोल देंगे, पढ़ पढ़ के बोल देंगे, और ऊपर से ऐसे बाल झटकेंगे कि इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। अरे खाक विद्वान हो तुम, जब तुम पढ़े लिखे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जब तुम पीएचडी और जब तुम एमफिल किए हुए लोग और जब डॉक्टरेट किए हुए लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम्हारे ईगो और अहम आ जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तुमको इतना समझ नहीं है कि बाबा साहब ने संगठित होने के लिए बोला है, तो तुम अनपढ़ के बराबर हो, तुम कोई पढ़े लिखे। और वैसे भी अब तुम्हारा नंबर जाने वाला है क्योंकि अब तुम्हारी वैकेंसियाँ निकलती नहीं है, रोज फेसबुक पे आता है, रोज तुम्हारा रोना धोना आता है कि वहाँ 40 वैकेंसियाँ थी उसमें एससी की है ही नहीं, उसमें 30 वैकेंसियाँ थी वहाँ है नहीं। क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसे रिजल्ट आएंगे। जब इकट्ठे हुए नहीं तो फिर सरकार से कोई चीज़ मिलने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि ये लोक का तत्व है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ जितने संख्या में लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं उनकी बात उतनी ज़्यादा मानी जाती है, और अगर दबे कुचले लोग हों तो उनको ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होना पड़ता है। अगर दबे कुचले ना हो और दमदार लोग हों तो वो अपनी बात को अपने कमरे से बैठ के भी फ़ोन पे भी करवा सकते हैं, मगर दबे कुचले लोगों का अगर टैग लगा हुआ है, डिप्रेस क्लास का टैग लगा हुआ है, तो उनको ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर बात को रखना पड़ता है। जैसे 2 अप्रैल 2018 को अनपढ़ लोगों ने अपनी बात रखी और एक्ट को बदलवा लिया, हालांकि उस एक्ट में अभी भी गड़बड़ चलती रहती है। तो उनसे ही सीख लो कम से कम कि बिना संगठित हुए, बिना इकट्ठे हुए, बिना सेंट्रलाइज सिस्टम हुए, बिना केंद्रीकृत किए हुए, आप बाबा साहब का जयंती कैसे मना सकते हो, कैसे बाबा साहब का जय कर सकते हो? आप तो बाबा साहब की हत्या कर रहे हो। दरअसल पढ़े लिखे डॉक्टरेट होके आप बाबा साहब को रोज चाकू मारते हो, क्योंकि आप में इकट्ठा होने की नहीं, क्योंकि अभी आप जहां बैठे हुए वो बहुत ज्यादा एक तरह से
वो क्लास है जिसमें आप रिलैक्स बोल सकते हैं कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं, आप आराम वाले क्षेत्र में हैं, मगर ये आराम रहेगा नहीं। आपको नौकरी मिली मिली, आपके बच्चों को मिलने वाली है नहीं। अब सारी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट होने वाली हैं, गवर्नमेंट की ख़त्म हो जाएंगी। आप देखते रहना, आपके बाबा साहब की कोई यूनिवर्सिटी है नहीं यहाँ पर, और ना ही आपने बनाई है और ना ही आपने इसके बारे में सोचा है। जो विदेशों में लोग रहते हैं, मतलब देश की बात तो छोड़िए, जो विदेशों में रहते हैं वो भी बाबा साहब की जयंती को अलग अलग मनाते हैं। इसलिए उनसे ये उम्मीद करना कि भाई विदेश में जाके लोग समझदार हो जाते हैं या जानकार हो जाते हैं या बाबा साहब को समझ गए हैं, ये गलतफहमी है। वहाँ भी बाबा साहब के अलग 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 फंक्शन होते हैं। वहाँ भी कई संस्थाएँ बनी हुई हैं, कनाडा की अलग है, इंग्लैंड की अलग है, यूएसए की अलग है, यूएई की अलग है, सबने अपनी अपनी संस्थाएँ, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं। वो ग्लोबल में रूप में भी एक साथ नहीं है, किसी का इंटरनेशनल है, किसी का ग्लोबल है, अलग अलग तरह से चलता है। तो विदेश से भी कोई रिजल्ट या वॉइस की या आवाज़ उठने की कोई उम्मीद इतनी अच्छी है नहीं। कोई कहता रहे कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, मगर जिसके पास आवाज़ जानी है उसको पता है कि आप 10 टुकड़ों में टूटे हुए हो, तो वो कोई बात मानता नहीं। रोहित वेमला की जब हत्या हुई थी तो रोहित वेमला की हत्या के विरोध में कनाड प्रेस पे एक संडे को जंतर मंतर पे, शायद वर्किंग डे था, जंतर मंतर पे 3 संगठन बैठे हुए रोहित वेमला का और बाबा साहब का फोटो लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी संख्या थी और तीनों अलग अलग बैठे हुए थे। मुझे देख के हंसी आ गई, अरे तुम एक ही मुद्दा है तुम्हारा, एक ही अम्बेडकर है, एक ही तरह के तुम लोग हो, तुम एक साथ बैठ जाते तो इसका मैसेज ज़्यादा जाता कि भाई 500 लोग आए, 700 लोग आए, तुम अलग अलग टीम जाते हो तो सामने वाले पे फ़र्क क्या पड़ेगा, मरते रहो रोहित वेमला, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जब तुमको इतनी समझ नहीं है कि तुम मरे में भी इकट्ठे हो जाओ, जिंदगी तो बात छोड़ो, तो फिर तुम्हारा उद्धार या होना या तुम्हारा कल्याण होना सपने की बात है। तुमको दुख में भी, मरने में भी, डेथ में भी इकट्ठे होने में मौत आती है, तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इसको सोच दो, ये सपने की बात है। क्योंकि थ्योरेटिकल बात यह है कि जो आदमी इकट्ठे नहीं होता, एक कहावत सुनी हुई आपने कि कबूतर जाल में फंस गए, और जब कबूतर जाल में फंस गए, दाना चुगने आए थे, तो उनके एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर इस जाल से निकलना है तो एक साथ सारे पंखों को फड़फड़ाओ और उड़ जाओ, तो जाल टूट जाएगा, इतना मजबूत नहीं होता। तो सारे पंखों के सारे जो कबूतर थे, उन्होंने उस बुजुर्ग कबूतर की बात मानी और एक साथ पंख फड़फड़ाए और जाल को लेकर ही उड़ गए, और बहेलिया देखता रह गया। यानी मुसीबत अगर आती है और सारे के सारे एक साथ भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मुसीबत भी ख़त्म हो जाती है। जैसे 2 अप्रैल 2018 को हुआ, जब सारे लोग सड़कों पर आ गए तो ऑटोमेटिक एक्ट अपने आप ही खत्म हो गया। इसको सीखो कबूतरों से, इसको सीखो जो अनपढ़ लोग हैं 2018 वाले में, तुम तो पढ़े लिखे और बहुत अच्छे लोग। मतलब कहने का रिजल्ट है ये है कि पूरे भारत में जो शेड्यूल कास्ट का, जो अनुसूचित जाति का और जनजाति का जो मूवमेंट चल रहा है और जो लोग चला रहे हैं, उनको टूटना आता है। यानी वो एक संगठन के 2 टुकड़े बड़े मजे से करेंगे, 2 के 4 करेंगे, 4 के 8 करेंगे, ये हिस्ट्री है, आप चेक कर लेना। 8 के 16 करेंगे, 16 के 32 करेंगे, 64 करेंगे, 64 के 128 करेंगे, 256 करेंगे, 512 करेंगे, 1024 करेंगे, 2048 करेंगे। ये लगातार 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 टूटने की प्रक्रिया उनकी है। उनको टूटना आता है, उनको संगठित होना आता नहीं है। इस बात को मान लेना चाहिए कि ये लोग अभी तक इकट्ठा होना या संगठित होना या बाबा साहब का जो वो फार्मूला था कि संगठित रहो, उसको नहीं जानते अप्लाई करना, इतनी समझ नहीं है। ये बात मान लेनी चाहिए कि बुद्धि नहीं है, इनकम्पिटेंट है इस मामले में कि उनको इकट्ठा, शोर मचाने में तो बहुत आगे हैं। नमो बुद्धाय जय भीम, खूब ठोक के करा लीजिए आप। अम्बेडकर का सपना पूरा फलाना करेंगे खूब चिल्ला लीजिए आप। जयंती में खूब नगाड़े और ढोल बजेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, खूब पर्चियाँ कटेंगी, संगठन बहुत सारे हैं, मगर इकट्ठा होना नहीं आता। और लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में जिसको इकट्ठा होना नहीं आता, उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो उसके पास होगा वो भी चला जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए इस बात को, तभी तो कहते हैं कि संगठित रहो। आप चिल्लाते रहो को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांशीराम जी ने कहा, अरे संख्या तो दिखाओ भारी। जब तुम्हारी संख्या ही भारी नहीं है और तुम अलग अलग बिखरे हुए हो और तुम सारे इसी बात को रोते हो और फिर भी इकट्ठे नहीं होते हो, तो तुम्हारी हिस्सेदारी कहाँ मिलेगी तुम्हें? टूटते रहो, 10,000 टुकड़ों में टूटोगे तो हिस्सेदारी कहाँ, क्योंकि संख्या नहीं है ना तुम्हारी, तो तुमको समझ में नहीं आता। कई लोगों की तो दाल रोटी ही संगठनों से चलती है, तो उनको पहचानो कि भाई इसका कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है,
अगर ये इकट्ठा नहीं होता है तो ये किसी काम का है नहीं। ठीक है, दाल रोटी समाज चलाएगा, मगर इकट्ठा तो हो। अगर वो कुछ नहीं करता, समाज का काम करता है, तो क्या वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि मैं ही मुखिया रहूंगा, तुम सब इकट्ठे होंगे मेरे पास में आ जाओ, तुम मर रहे हो मरते रहो, मुझे क्या लेन देना, मुखिया मैं ही रहूंगा क्योंकि मुझे तो पैसा आता है, मुझे तो भाषण देने का, बीच की कुर्सी पे मुखिया बनने का शौक है, मैं तो अपनी प्रधानी खो नहीं सकता। तो ऐसे प्रधान को लात मार देनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का सपना अगर पूरा करना है तो ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ असहयोग आंदोलन भी चलाना चाहिए आपको। कैसा असहयोग आंदोलन है भाई? जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप सेंट्रलाइज सिस्टम में, केंद्रीकृत सिस्टम में नहीं आओगे, जब तक सारे धार्मिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, हम धर्म के लिए पैसा नहीं देंगे। जब तक सारे राजनीतिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक सारे सारे सरकारी कर्मचारी एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे और लोगों का फायदा करने का प्रण नहीं करते, क्या फायदा है? अरे भाई, सरकारी कर्मचारी सारे अगर इकट्ठे हों और कोई एसोसिएशन ऐसी बने जिसके अंदर सारा काम हो, किसी आदमी का काम है तो वो फोन पे ही करा सकता है, भाई फलाना एसोसिएशन का वहां बैठा हुआ है, फलाना वहां बैठा हुआ है, उसका काम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, काम होना बहुत आसान हो जाएगा, तो उसको सहयोग करना चाहिए। कहीं अगर वकीलों का सब संगठन इकट्ठा हो जाए तो उनको काम आना शुरू हो जाएगा, जान पहचान होनी शुरू हो जाएगी, लोगों को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, समाज आगे बढ़ेगा। जब समाज कुछ आगे बढ़ेगा तो समाज ज़्यादा पैसे कमाएगा, तो ज़्यादा पैसे बचाएगा भी, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कुछ उनको असहयोग करना शुरू करिए। यानी कि कोई पर्ची लेके आपके पास आता है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाना है, तो उससे कहना कि वो बात सुन, बाबा साहब का जयंती हमें भी मनाना है, बाबा साहब का जयंती पूरी दुनिया ने मनाना है, मगर ऐसे नहीं मनेगा कि तू अलग मनाएगा, वो अलग मनाएगा, वो अलग मनाएगा, वो अलग मनाएगा। अब बाबा साहब का जो जयंती मनेगा वो एक ही मनेगा, तो पहले तुम अपना सिस्टम को सेंट्रलाइज कर लो, उसके बाद मेरे से पैसे ले जाना। तुम क्या अलग अलग पैसे लेने आते हो? मेरा बुद्ध विहार बनना है, मुझे पैसे दे दो, मैं जयंती कर रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं किताब छाप रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मेरा अखबार आना है, मुझे पैसे दे दो, मैं एक जमीन खरीद रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं वहाँ पर एक अम्बेडकर भवन बना रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं एक वहाँ पर सभा करूँगा, मुझे पैसे दे दो, मैं वहाँ पर एक फलाना कार्यक्रम करूँगा, मुझे पैसे दे दो, मैं वहाँ एक दौड़ निकाल रहा हूँ अम्बेडकर की, मुझे पैसे दे दो। अरे क्या तमाशा है, ये लोग अलग अलग पैसे क्यों दें? जब तुमको इकट्ठा होना नहीं आता है तो ये पैसे दे के फायदा क्या है इसका? नुकसान में जा रहा है। जैसे आप कहते हो ना कि मंदिरों को अगर आप दान देते हो तो मंदिर हमें और ज़्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि वो हमारी विचारधारा के खिलाफ हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता। मंदिर की बात छोड़ो, मैं नहीं जानता, मगर अगर आप अलग अलग संगठनों को पैसे देते हो तो वो मंदिर से ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उसमें आपके अपने ही लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो समाज को जूते की नोक पे रखते हैं, उनको इकट्ठा होना ज़रूरत ही नहीं है, वो इकट्ठा होने की बात भी नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा समाज के किसी आदमी ने कभी ये कहा हो कि भी सबको इकट्ठा होना है, या इन लोगों ने सबने जो नेता होते हैं या ये जो ये सामाजिक काम करते हैं या धार्मिक करते हैं, धमका करते हैं या सरकारी कर्मचारी, कभी एक मंच पर नहीं देखा होगा आपने, एक मंच पे चाय पीते हुए नहीं देखा होगा, किसी के यहाँ शादी में आते जाते हुए हंसते बोलते नहीं देखा होगा। ऐसी दुश्मनी एक दूसरे से रखते हैं कि हेलो हाय भी नहीं करते, इनकी ग्रीटिंग्स भी नहीं होती कभी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बामसेफ के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरी बामसेफ के, हालांकि सेम फुल बात है कि बामसेफ के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और अलग अलग बामसेफ है, शर्म के डूब के मरने वाली बात है उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, फिर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि फलाने बामसेफ के लोगों ने दूसरी बामसेफ के लोगों को अम्बेडकर जयंती की बधाई दी, उनके यहाँ गए, मिठाई का डब्बा लेके गए, गले मिले। कोई फोटो देखा आपने? मैंने तो देखा नहीं, कोई फोटो देखा हो तो मुझे दिखाना जरूर। या राजनीतिक पार्टियों का देखा हो जिसमें ओबीसी एससी एसटी की राजनीतिक लोग एक साथ बैठे हों, आओ भाई अम्बेडकर जयंती है, ये तो हमारा एक फेस्टिवल है, इसको एक साथ मनाते हैं, आओ बैठो। कोई फोटो देखा आपने? कोई स्टेटमेंट देखी? कोई बधाई का पत्र देखा? कोई ट्वीट देखा? मैंने तो देखा नहीं। अरे जब तुम सोचना भी नहीं जानते, एक दूसरे को ग्रीट करना भी नहीं जानते, गले मिलना नहीं जानते, अरे फेस्टिवल पे तो बड़े बड़े ग्लेशियर भी दूर हो जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, तुम एक खुशी के मौके पर नहीं मिल सकते हो, कितनी कड़वाहट और कितना जहर लेके बैठे हो, और इस जहर और इस कड़वाहट से तुम बाबा साहब का सपना पूरा करोगे? तुम बाबा साहब का सपना नहीं पूरा कर रहे हो, तुम बाबा साहब के सपने में जहर घोल के आग लगा रहे हो, बाबा साहब की हत्या करते हो, तुम हत्यारे हो बाबा साहब के। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये अप्रैल माह ये बाबा साहब की हत्या का माह है,
इसको अगर बदलना है, अगर इसको जयंती में बदलना है और बार बार ये कहना चाहते हो आप कि ये बाबा साहब का जयंती का या जन्मदिन का महीना है, तो आपको इनको ठीक करना पड़ेगा। सारे लोगों को आप इनको पैसा देना बंद कीजिए, इनके यहाँ सपोर्ट करना बंद कीजिए, असहयोग आंदोलन चलाइए। कोई कॉपरेशन नहीं, नॉन कॉपरेशन, यानी कि आपको मतलब नहीं है भाई। पहले इकट्ठे होके आओ, फिर मैं एक ही बार पैसा दूंगा, ए वन टाइम पैसा साल में। बाबा साहब ने अगर कहा है 5% तो 5% ले जाओ, बाबा साहब ने अगर 20% कहा तो 20% ले जाओ, मगर एक बार एक सेंट्रल फंड में, वहां से तुम खर्च करो। धम के लिए करो, नेशनल बनाओ, लीडर बनाओ, राष्ट्रीय बनाओ, राजनीति में जाओ, सरकारी कर्मचारी में जाओ, मगर ये क्या तरीका है? सब अलग अलग पर्चे लेके आते हो, तो शर्म आनी चाहिए। एक अम्बेडकर है तो एक ही संस्था होना चाहिए, एक अम्बेडकर है तो एक ही बात होना चाहिए, एक अम्बेडकर है तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। तुम सब मिलके बाबा साहब का सपना अलग अलग कैसे पूरा करोगे? कोई बुद्धू होगा, कोई बेवकूफ होगा, उसे भी ये बात समझ में आती है। फिर भी अगर कोई आपको सहयोग करता है तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी पर्ची कटवाता है और आपको कहता है कि हमारी तरफ से पैसे ले जाओ, तो वो आपका कोई रिश्तेदार विज़ार होगा, आपके जैसा ही निकम्मा होगा, उसकी सोच छोटी होगी, वो जानता नहीं होगा, या वो बाबा साहब के हत्या में सहयोग करता होगा जब आपको सहयोग करता होगा। थोड़ा सोचें इसके ऊपर, तब बाबा साहब का जयंती अच्छे से मनेगा, अगर बाबा साहब का सपना पूरा होगा। धन्यवाद। Good time।